गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, सो लेट्स स्टार्ट अवर टूडेज मैथ्स क्लास एंड टूडे दिस इज अ लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 4.3. ठीक है, सो लास्ट क्वेश्चन इज इन कंट्रीज लाइक यूएसए एंड कैनेडा टेम्परेचर इज मेजर्ड इन फ़ारेनहाइट. ठीक है, यूएसए और कनाडा में जो टेम्परेचर होता है उसके लिए हमारे पास मेजरमेंट की यूनिट क्या है, फ़ारेनहाइट. वेयर इज इन कंट्रीज लाइक इंडिया, और हमारे इंडिया में क्या होता है, मेजर करते हैं हम टेम्परेचर को सेल्सियस से. ठीक है, सो हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन है इन दोनों के रिलेशन से, एफ डिनोट फॉर फ़ारेनहाइट एंड सी डिनोट फॉर सेल्सियस. ठीक है, ये इक्वेशन हमारे पास गिवन है. तो अब हमें करना क्या है, यहाँ पे फर्स्ट पार्ट इज Draw the graph of linear equation above using Celsius for x-axis and Fahrenheit for y-axis. ठीक है, यहाँ पे अब हमें क्या करना है, इस इक्वेशन से ग्राफ प्लॉट करना है जहाँ पे सेल्सियस को लेना हमें x-axis पे और Fahrenheit को लेना है हमें y-axis पे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे ऑलरेडी एक वेरिएबल इधर है और सेकेंड राइट हैंड साइड में. ठीक है, सो यहाँ पे क्या करेंगे हम, पुट इफ c इज इक्वल्स टू, तो c इज इक्वल्स टू जीरो ही लेते हैं हम फर्स्ट, देन क्या हो जाएगा, f इज इक्वल्स टू 9/5 ऑफ जीरो, ठीक है, प्लस 32, तो आंसर आ गया 32. तो यहाँ पे क्या बन गया, अब देखो सेल्सियस किसके लिए था, x यूनिट के लिए, और फ़ारेनहाइट दिया था y. तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट भी वैसे बनेंगे, x एक्सिस का इधर और y एक्सिस का इधर. ठीक है, 0.32 हो गया. नाउ नेक्स्ट c को अब हम रखते हैं 5. ठीक है, यहाँ 1 रखेंगे तो हमारे पास क्या होगा, फ्रैक्शन में यूनिट आएगी, इसीलिए हमने क्या करा है, इसके मल्टीपल्स में सी को कंसिडर करते हैं. अब एफ क्या हो जाएगा, अब हमारे पास 9/5 मल्टीप्लाई विद 5 प्लस 32, 5 से 5 कैंसिल आउट हो गया, तो 32 में हमने 9 ऐड करा, कितना आया 41. तो हमारे पास दूसरा क्या बन गया नंबर 5 और कॉमा सॉरी 41. नाउ नेक्स्ट सी को अगर हम 10 पुट करते हैं तो एफ क्या हो जाएगा हमारे पास 9/5 मल्टीप्लाई विद 10 प्लस 32. सो यहाँ क्या हो गया, 18 प्लस 32 कितना आ गया हमारे पास 50. सो थर्ड नंबर हमारे पास बन गया 10.50. अब हमें क्या करना है, इसके लिए ग्राफ प्लॉट करना था, तो सेल्सियस वाली यूनिट पे हमारे पास, हमने सेल्सियस वाले को क्या कर दिया, एक्स एक्सिस पे लिख दिया, और वाई एक्सिस पे किसको लिखा है हमने, फ़ारेनहाइट को. ठीक है, तो यहाँ प्लॉट करते हैं. अब हम एक्स एक्सिस का पॉइंट क्या है, 0, एंड वाई का कितना है 32. यहाँ पे अब हमारे पास 0 एक्स एक्सिस, तो मतलब वाई यहाँ पे होगा और 32 का होगा सेकंड लाइन, जो कि आप ग्राफ में इजीली देख सकते हैं इन दोनों नंबर्स के बीच में क्या होता है, 10 नंबर्स, तो सेकंड लाइन पे हमें वो करना है. ठीक है, तो इसको हम कंसिडर कर लेते हैं ए पॉइंट. देन नेक्स्ट पॉइंट इज 5.41, तो 5 इधर है और 41 जस्ट अबव 40. ठीक है, ये पॉइंट यहाँ होगा. देन c इज इक्वल्स टू 10, मतलब x एक्सिस पे 10 एंड y एक्सिस पे 50, तो 10 एंड 50 यहाँ हो गया, और इन तीनों को, ये b पॉइंट है, ये c, और इन तीनों को ज्वाइन करना है सिर्फ. ठीक है, और ये क्या हो गया, हमारे पास इक्वेशन लाइन है, हमारे पास इक्वेशन है उसकी 9/5 ऑफ c प्लस 32. ठीक है, नाउ नेक्स्ट पार्ट इज इफ द टेम्परेचर इज 30 डिग्री सेल्सियस. हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन है, इसी के लिए हमें आंसर्स करने हैं. तो सेकंड पार्ट है इसी में, इफ द टेम्परेचर इज 30 डिग्री सेल्सियस, व्हाट इज द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट. तो अगर हमारे पास सी जो है वो 30 डिग्री सेल्सियस है, तो अब हमें एफ बताना है. एफ क्या होता है हमारे पास, 9/5 सी होता है, सी हमारे पास 30 गिवन है, प्लस क्या होता है 32. तो यहाँ पे 5 × 5, 5 × 6 = 30, तो 54 प्लस 32, और आंसर क्या आ गया हमारे पास 6 and 8, तो 86 डिग्री फ़ारेनहाइट इसका आंसर आता है. ठीक है, सो टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट क्या हो गया, 86 डिग्री. नाउ नेक्स्ट पार्ट इज, थर्ड पार्ट है हमारे पास, इफ़ द टेम्परेचर इज 95 डिग्री फ़ारेनहाइट. अभी हमारे पास फ़ारेनहाइट ऑलरेडी गिवन है, और हमें क्या बताना है, सेल्सियस में उसका आंसर बताना है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल फ़ारेनहाइट हमारे पास यहाँ होता है 9/5 ऑफ सी, क्योंकि सी हमें अब इस बार कंसिडर करना है, और यहाँ पे 32 है. फर्स्ट ऑफ ऑल जो कंसिडर करना है उसके अदरवाइज टर्म को क्या करते हैं, हम इधर ले जाएंगे. सो 95 - 32 और इक्वल्स टू हो जाएगा 9/5 ऑफ सी. इनको माइनस करा, हमारे पास आंसर आया
63 विच इज इक्वल टू 9/5 ऑफ सी। ठीक है, अब हमें सिर्फ सी कंसिडर करना है, तो सी को हम इधर ही रखते हैं, ये 5 इधर डिवाइड में इधर जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई, और 9 इधर मल्टीप्लाई में इधर जाके होगा डिवाइड। तो 63 मल्टीप्लाई विद 5 एंड डिवाइडेड बाय 9। अब 9 की टेबल में 63, 9 7 63, तो आंसर इज 35। और सेल्सियस में अगर निकालना है तो क्या हो जाएगा, 35 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, सो थर्ड पार्ट क्या था, टेम्परेचर अगर फारेनहाइट में गिवन है, हमें किस में निकालना था, सेल्सियस में। नाउ नेक्स्ट पार्ट इज, इफ द टेम्परेचर इज 0 डिग्री सेल्सियस, व्हाट इज द टेम्परेचर इन फारेनहाइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल टेम्परेचर अगर हमारे पास 0 डिग्री, मतलब कि यहाँ पे क्या गिवन है, सी 0 गिवन है, तो फारेनहाइट में आंसर क्या आ गया हमारे पास, 32 डिग्री फारेनहाइट। अब नेक्स्ट है कि अगर टेम्परेचर 0 डिग्री फारेनहाइट है तो क्या होगा टेम्परेचर, सॉरी हाँ टेम्परेचर किस में होगा, सेल्सियस में क्या होगा। तो यहाँ 0 है, 9/5, और सी तो हमारे पास हमें फाइंड करना, प्लस 32। अब क्या करेंगे, सिर्फ सी कंसिडर करना, तो ये वैल्यू इधर जाके हो गया माइनस में 9/5 ऑफ सी, अब ये क्या बन गया, माइनस 32, और सी के इधर जो वैल्यू है हमारे पास, ये डिवाइड में इधर आके होगा मल्टीप्लाई, और ये डिवाइड में और सी। ठीक है, तो आंसर इज माइनस 17.8 इक्वल टू सी आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, और ये किस में होगा, इसकी यूनिट अगर हम लगाने जाए डिग्री सेल्सियस में। ठीक है, नाउ फिफ्थ पार्ट है कि इफ देयर इज अ टेम्परेचर विच इज न्यूमेरिकली द सेम इन बोथ द फारेनहाइट एंड सेल्सियस, तो हम कंसिडर कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें प्रूव करना है कि इज देयर है या नहीं है, तो हमने मान लिया लेट एक्स डिग्री बी द टेम्परेचर, बी द टेम्परेचर दैट इज न्यूमेरिकली सेम फॉर बोथ बोथ द फारेनहाइट एंड सेल्सियस। ठीक है, एक्स कंसिडर कर लिया, अब हम उस फॉर्म इक्वेशन में रखेंगे, अगर फारेनहाइट भी एक्स है और 9/5 ऑफ दिस भी एक्स है, प्लस कितना था, 32। अब यहाँ पे हमें क्या कंसिडर करना है, एक्स और एक्स, यहाँ पे दोनों यूनिट्स ही एक्स की दिख रही है, तो ये इधर आके क्या हो जाएगा माइनस में, तो माइनस दिस और 32 इधर ही रहेगा। अब हमारे पास क्या है, इसके नीचे कुछ नहीं है, मतलब 1 है, तो हमने अगर एलसीएम लिया, 1 को 5 से डिवाइड करा तो 5 आया, और 5 को इससे मल्टीप्लाई करा कितना आया, 5x, और ये 5 था ही तो 9x, और जो कस्ट टू कितना है, 32। अब इसका आंसर क्या आ गया, माइनस 4x डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू 32। ठीक है, x कंसिडर करना है सिर्फ हमें, तो इसके अदरवाइज टर्म क्या हो जाएगी, यहाँ आके ये फर्स्ट ऑफ ऑल माइनस साइन इधर चला जाएगा, 32, 5 इधर आके मल्टीप्लाई, और 4 इधर आके क्या होगा डिवाइड, 4 8 का कितना होता है हमारे पास 32, तो माइनस 40 हमारे पास आंसर आ गया। तो 40 डिग्री सेल्सियस और 40 डिग्री फारेनहाइट, ये दोनों सेम होते हैं न्यूमेरिकली इन द टेम्परेचर। ठीक है, सो दैट इज ऑल अबाउट एक्सरसाइज 4.3। थैंक यू।